सभी को राम राम और स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। मैं हूं मुकुल और ये अपने व्हील्स, इनके थ्रू आज मैं आपको लेके जा रहा हूं एक और मार्केट में। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाई दिवाली की मार्केट ज्योति न्यू मंडे की, आज आपको बहुत ही काम की मार्केट दिखाने वाला हूं। तो मार्केट है भैया बिजली की मार्केट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहां पर मिलेंगे सारी लाइट्स वगैरह जो कि दिवाली की मेन चीज है, क्योंकि सबको अपना घर सजाना होता है। तो मैं आपको अभी की दिवाली शॉपिंग के लिए, यानी कि दिवाली की लाइट्स देने के लिए, शहर की सबसे सस्ती मार्केट में लेके जा रहा हूं। ये वाला ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि किसी इंसान को अगर ना पता उस मार्केट के बारे में तो यहाँ से आगे शॉपिंग कर सके और उसकी हेल्प हो पाए। तो बी ऑनेस्ट, मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आजकल कौन सी लाइट्स आ रही हैं बाजार में, क्योंकि बहुत साल हो गए कि मैंने भी घर अपने हाथों से नहीं सजाया अपना। मतलब पहले हम करते थे, पहले मेरा भाई करता था तो मैं उसकी हेल्प करता था, बट कुछ सालों से अब ऑफिस वगैरह की वैसे टाइम नहीं हो पाता तो मम्मी बाहर से बुला के बंदे से उससे करा लेती हैं। और वैसे इस बार भी उससे कराएंगे क्योंकि टाइम अभी भी नहीं है, बट मेरा देखने का मन है कि बाजार में किस टाइप की नई नई लाइट्स आ रही हैं, तो चलते हैं देखने। और ये जो मार्केट है ये अंसारी रोड पे, वैसे तो अंसारी रोड पे सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं हमारे शहर में, और ये वाली मार्केट भी वहीं पे लगती है, तो वहां चलते हैं फटाफट। और वहां पर एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बुलाया तो उनसे मिल लेंगे, उनकी शॉप भी देख लेंगे और आपको पूरी मार्केट घुमा देंगे। आपको मिलता हूँ सीधा अंसारी रोड पे। तो जी पहुंच गए अंसारी रोड, और यहाँ का तो माहौल ही अलग है, दिखाता हूँ आपको कैसे। ये देखो, ये हमारी अंसारी रोड है, हर तरफ लाइट सी लाइट्स मिल रही है। यहाँ पे सारी शॉप इसी चीज की है, क्या प्यारी लाइटें मिल रही हैं। तो जी अपने अंसारी रोड होगी, इसके जस्ट आगे जो ये चौराहा है यहाँ पे पड़ता है पालिका बाजार, तो यहाँ अंदर मिलते हैं सबसे सस्ती लाइट्स। अंदर चलते हैं फिलहाल। ये देखो कितनी बड़ी लाइटें मिल रही हैं, सारी की सारी भीड़ भी लग रही है मस्त। यहाँ भी लाइटें मिल रही हैं, यहाँ भी। और जिन्होंने मुझे बुलाया था वो ये वाली शॉप है, इनसे बात करते हैं एक बार। तो जी अब दिखाते हैं आपको जो लाइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा दिखाता हूँ, और जो अपने सब्सक्राइबर उनसे मिल रहे हैं। पहले भाई का नाम माधव, देखते हो वीडियोस अच्छी लगती हैं, वैसे देखना है तो भाई की शॉप है। अच्छा की वाली लाइट होगी, इसका रेट बताना कितने की होगी? 400 से स्टार्ट इसकी। और जैसे एक बार बताओ जो ये बिल्कुल बेसिक वाली होती है, ये वाली बिल्कुल, ये जो सिंपल, इनकी स्टार्टिंग कितनी है? 50 रुपीस की। अच्छा 40 से स्टार्टिंग है इसकी। तो अगर किसी का मन नहीं है कि भैया धुएं उड़ाने पटाखे से पटाखों पैसे वेस्ट करने, तो एक नया जुगाड़ है बाजार में, बताना एक बार इसका रेट क्या है भैया? 1600 रुपए पर यह है ना कि 1600 में लेके जब मंगे तब फोड़ते रहो। चलो बढ़िया। अच्छा इनका और बता दो, ऐसे यार के डिजाइन दिए वाले, ये 300 रुपए का है। और स्टार्स वाला लाइट ये भी 300 रुपए का। और जो भैया ने बताया जो सबसे बेसिक लाइट होती है वो है 40 रुपीज की, यानी कि जैसे कि ये वाला रंग रेड हो गया, इसमें और मिल जाएगा रंग इसमें ना, ये सारे कलर की गई। अच्छा सारे इसके हैं, वाइट रेड सारे। इन बड़े भैया लेजर लाइट। अच्छा इसका रेट क्या है? एक ही वाली है, 480-580। इतनी बड़े भी बड़े यार, ये वाला सीन सही लगा कि एक लागे छोड़ दो तो देखो ऐसी लाइट पड़ती है इसमें नीचे। ये और कुछ अपने पास अलग अलग जुगाड़ इससे और कोई? ये 0 वाट। अच्छा ये 0 वाट क्यों है? इसका रेट क्या है? 300। अच्छा इसमें वो भी होता है ना कि जैसे ये है तो इसमें वो होती है ना कि 40 वाली में लेंथ का साइज भी तो होता होगा कि 10 मीटर। ये 10 मीटर है तो इससे बड़ी क्या है? 15 मीटर। 15 मीटर इससे बड़ी है। उसका रेट क्या है? 55। 55 रुपये की। 280 की। इसका लेंथ क्या होगा? 5 मीटर। 5 मीटर ये भक्ति है। अच्छा भक्ति है, ऐसे ऐसा जो सब चल रही है ना वैसे चलती है। भगवान जी वाली लाइट्स मिल रही है, भगवान जी के अंदर लाइट्स, ये कितना प्यारा लग रहा है वाला। इसका रेट क्या है? मात्र 70 रुपए की। कितनी प्यारी लग रही है, अजीब वाह कर दी। ये टंगे अभी कंडील अच्छे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, हमको रेट पता करते हैं। तो जी देखो इतने बड़े बड़े कंडील मिल रहे हैं और रेट मात्र 180-190 रुपए का है, बाकी बार्गेन कर लेना आप। तो ये 180-190 रुपए के हो गए सिंपल्स वाले जो हैं, आगे वाले जो हैं ये 200, और ये रेड वाला अच्छा लगा मुझे, ये 400 रुपए का है। तो सस्ते और बढ़िया कंडील मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और मिलेंगे शॉप पे, भैया की शॉप का नाम है आनंद एंटरप्राइज ना, काफ़ी सस्ती रेट मिल रही है। मैंने एक बात सोची अभी के 40 रुपए से अगर स्टार्ट, मतलब रेट इतना नहीं बदला। मुझे याद है कुछ टाइम पहले जो लड़िया मिलती थी ये भी 15-20 की मिलती थी, बहुत साल पुरानी बात है, तो अभी भी इतना रेट में फर्क नहीं है। 40 बोल रहे हैं उस वाली के, तो अगर बल्क में लेंगे तो क्या पता और कम हो जाए। तो मतलब स्टार्टिंग 30-40 रुपए से भी लाइटों की है। और ये वीडियो बनाने का मोटिव यहाँ पे आके बनाने का, ऐसे तो मार्केट बहुत जगह लगा है शहर में, मंडी में, गांधी कॉलोनी में, यहाँ पे आके बनाने का ये था कि बहुत लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी भगवान का दिया हुआ पैसा है, अच्छी बात है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती लेने में। बट बहुत से लोग हैं जो थोड़े फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो मेरा मोटिव था कि उनका भी मन करे अगर लेने का ऐसा सामान और दिवाली बनाने का अच्छे से, तो उनकी हेल्प हो पाए इस वाली चीज को लेके, और बाकी किसी को पैसा बचाना है तो उनके लिए तो बढ़िया है। अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं और सोच रहा हूँ कि एक आधी मार्केट और घुमा दूँ आपको जब बाहर निकले हूँ। घर में दिवाली वाइब्स दिखने लगी, मॉल के बाहर भी लग गया है क्या बोलते हैं टेंट सा, और अंदर भी देखो भीड़ लग रही है बढ़िया। पूरे साल का सबसे बेस्ट टाइम लगता है मुझे, भले ही मे भी शायद के जो फेस्टिवल्स इतने सारे इसलिए, बट वैसे भी मौसम ठंडा ठंडा सा रहता है, ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी, और शांति शांति सी, बहुत शांत शांत सा, प्यारा प्यारा सा माहौल लगता है।
सो दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। और अगर आपको लग रहा हो कि यार आज मुकुल की शक्ल थोड़ी चेंज लग रही है तो उसका रीजन है ये चश्मा जो मैंने आपको दिखाया होगा पिछले ब्लॉग में कि बनने दे के आया था, ये मैं ले आया था पहले आज जाके, तो ये है वो चश्मा जो बन के आया है। तो ब्रो अब आ गए हैं ब्रो गांधी कॉलोनी में, माहौल देखने दिवाली का। देखो यहाँ भी लग चुका है दिवाली का पूरा माहौल सेट है, ये जो शॉप्स है एक्सटेंड होकर बाहर आ चुकी है। अरे कंबल मिल रहे हैं भाई, मिल रहे कंबल ब्लैंकेट वगैरह मिल रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया है। लाइट्स मिल रही है, देखो मैं कह रहा था ना ये जो लाइट्स यहाँ भी मिलेगी, तो जिन लोगों को यहाँ से लेनी है वो यहाँ ले लो, इसका थोड़ा सा पैसे बचाने और मेहनत करने का मन है वो चले जाओ जहाँ मैं लेके गया था अभी आपको पालिका बाजार। और खैर गांधी कॉलोनी का माहौल तो देखो अलग ही रहता है, यहाँ पे चहल पहल रहती है। देखो ये मस्त दुकान आ चुकी है बाहर तक, शॉपिंग कर रहे हैं सब, बाइक बीच में लगा दी भाई ने, सही करा भी क्योंकि शॉपिंग इम्पोर्टेंट है। बस घर पहुंचा हूं अभी, घर के गेट खुले पड़े हैं सपाट, गीला वीला हो रखा है। क्या हो गया भाई, साफ सफाई चल रही लग रहा, अच्छा है अभी गीला हो रखा है, धूप ये सब उठा के लग रहा मुझे आज, वो गेट भी खुला पड़ा है। अभी करूं अंदर या नहीं, अभी ना करूं, गीला है ठीक है। सारा घर का माहौल बदल दिया भाई इन्होंने, तो मैं बाहर का गया थोड़ी देर, देखना सारा सामान वामान निकाल के बाहर रख दिया चौक में, वो रूम को पूरा खोल के रख दिया। खाना वाला मिलेगा, मिट्टी खानी है नहीं, रोटी बनी पड़ी है, आप खुद करो अपना काम। उसमें क्या सब्जी में, क्या सब्जी में, कड़ी है, कड़ी है हाँ, मैं डोल में रखी। दिवाली की सफाई जोर शोर से चल रही है भाई हमारे यहाँ, मम्मी को इतना भी और आज तो कुछ खाना खुद खा लें या हम साथ में खा लें, अब खाने पड़ रहे हैं मुझे टकाटक और स्प्राइट। और इससे पहले कि आप बोलो कि भाई बेशरम इंसान जाके हेल्प कर दे, तो भाई हेल्प कर देता मैं हेल्प कर देता, पर फिर ये कौन करेगा जो ऑफिस है अपना, जो दुकानदारी है ये कौन करेगा। अगर आप में से कोई आ रहा करना तो बताओ, मैं इनकी हेल्प कर लूँगा। खाना हो गया, ऑफिस का काम हो गया, जस्ट अभी बंद करी अपनी दुकान और टाइम हो रहा अपना 4:30, तो सोने का टाइम हो गया। और एक बात याद आई, सोने से पहले बता देता हूँ, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे जब से लोगों को पता चला कि मैं बैंगलोर जा रहा हूँ कि भैया आप जा रहे हो तो अब कैसे होगा, क्या करोगे, यहाँ के ब्लॉग्स कौन बनाएगा, हम आपको कैसे देखेंगे। तो भाई वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाके ब्लॉग्स बंद नहीं करूँगा और वहाँ पे मैं परमानेंटली नहीं जा रहा हूँ, आना जाना लगा रहेगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ जाके तो बहुत तकड़ी और बहुत जहरीली प्लानिंग है, आपको पूरा साउथ इंडिया घुमा देगी, तो इसलिए बड़े भाई ब्लॉग्स आते रहेंगे बड़े भाई, दिक्कत वाली कोई बातचीत है ही नहीं। तो अभी के लिए सोते हैं, बहुत लेट हो चुका है, आपसे मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। सभी को सुप्रभात, और हो चुका है नया दिन, होगी नई शुरुआत। रैप हो गया भाई साहब, रैप। अरे तो अभी आ रखा था उठने के बाद सीधा बाल कटाने, जो मैंने लास्ट टाइम जहाँ बाल कटाए थे, ये प्रोफेशन हेयर स्टूडियो, और ये है कुकड़ा में जो मैंने पहले भी दिखाया था। और आज तो भाई ने मौज ही कर दी कसम से, आज का जो हेयर कट दिया ना मौज ही कर दिया, मतलब मजा ही कर दिया। खैर बाल कट चुके हैं, इंसान बन चुका हूं। और आज है होई अष्टमी, जिसमें मम्मी लोग अपने बच्चों के लिए फास्ट रखती हैं, तो वो जो पूजा का जो उसके पीछे जो रीजन है वो मुझे सही से पता नहीं, तो घर चलते हैं मम्मी से पूछते हैं वाला रीजन, कि उसका रीजन क्या है रखने का। देखना जरा बाल वाल अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपका? बेटा चुआ सा बता रही, बताओ कितने बड़े कट को तेरे चुआ सा लग रहा। टोमेटो से ये मंचूरियन और नूडल्स क्यों मंगाने पड़े, क्योंकि एज आई सेड आज है मम्मी का फास्ट, तो मम्मी तो नहीं खाएंगी, तो इसलिए मैंने कहा मम्मी आप आराम करो मैं मंगा लेता हूँ, मैं खाऊंगा, आप नहीं खाओगे तो मैं खाऊंगा। तो अभी फटाफट पहले खाते हैं, और जरा जब मैंने मंगाया ही है चेक करके बता दूंगा टेस्ट कैसा है, फिर बताता हूँ कि कहाँ से मंगाया है, कभी आपको भी मंगाना हो तो थोड़ा दे देना आपको रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। ओ बहुत सही है यार, ये मंचूरियन और नूडल्स का वो था कॉम्बो मैंने मंगाया, एक रेस्टोरेंट है उसका नाम है बिग वोक करके, तो जोमेटो पे आता है, और सच बता रहा हूँ बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, जैसा मंचूरियन होना चाहिए ना, मतलब जैसा चाइनीज खाना होना चाहिए, चाइनीज एसेंस वो है इसमें, शानदार। अगर किसी को मंगाना है तो ट्राई करना, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है मुझे तो, बहुत ही ज्यादा। मम्मी गई अभी सुनने कहानी सामने, हमारे पड़ोसी के यहाँ जब आती है तब मिलाते हैं उनसे, तब पूछते हैं कि होई बनाई क्यों जाती है भाई, क्या बात है नई नई साड़ियाँ, करवा चौथ वाले कुछ और दिन साड़ी थी आज कुछ और, अजीब ही तेरे नखरे अजीब ही तेरे स्टाइल, साड़ी पहने गुलाबी हाथ में लेके घूमे मोबाइल, अहोई अष्टमी अहोई अहोई अष्टमी, अपने बच्चों की हंसी खुशी के, उनके लंबी आयु के लिए, दीर्घायु, बच्चे बच्चे स्वस्थ रहें, जैसे वो था अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ उसमें था पति की दीर्घायु के लिए, जैसे बच्चे की बच्चों के लिए, वैसे तो ये पहले लोग तो कहते थे कि जिसके बेटे हों बेटों की माँ मनाती है, अच्छा। लेकिन मैं इस चीज में मानती, मैं तो कहती हूँ बेटा बेटी सबकी माँ को मनानी चाहिए, क्योंकि संतान में सब आ जाता है, संतान के लिए संतान वाली मम्मी सब मनाती है, सबको ऐसी बात इंटरेस्टिंग लगी, बच्चे
खूब अच्छे दीर्घायु स्वस्थ रहे, खूब कामयाब हो, अपने बच्चों की खुशियों के लिए भलाई के लिए व्रत रखती है माता। तो माता तो माता, हमारे तो पापा ने भी रखा है। हमारे तो पिता जी, पापा भी बहुत बच्चों के प्यार करते हैं, वो कहते हैं तेरे बच्चे हैं तो मेरे भी इतने फास्ट रख के गए अपने काम पे और गए के चेहरे तो अच्छा, मतलब इसको फास्ट रखा और पूरे दिन दिले कुछ नहीं खाएंगे हम, तो यहाँ खा भी लेंगे और फास्ट का खुलेगा शाम को। शाम को कब, जब वो निकलेगा तारा? हाँ। अच्छा, इसका करवा चौथ में तो चांद चांद देख के व्रत खोला जाता है और इसमें जो है तारा देख के, क्योंकि बच्चे जो है तारे माँ के आंख के तारे होते हैं, माँ के आंख के तारे हैं, राज दुलारे तारे, आशीर्वाद ले लेते हैं। बहुत नाम हो तेरा, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल भी चले, क्या बात है, और खूब अच्छी जॉब चलती रहे, क्या बात है। इसी बात पर सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत जल्दी शादी भी कर लेते, बस शादी की बात फिर तो इसलिए मनाई जाती है अहोई अष्टमी, वैसे इसको हुई बोलते हैं पर मुझे अहोई बोलना अच्छा लगता है। खैर तो पूजा, खैर जो पूजा वगैरह होगी इसकी वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होती है, एक माला होती है वो दिखाऊंगा आपको, बट वो सारी चीजें और पूजन वगैरह सब अगले ब्लॉग, क्योंकि फिर आप बोर हो जाओगे, वीडियो पूरे देखोगे नहीं, यूट्यूब बंद करके फोन अपना फेंक दोगे कहीं, तो इसलिए सारी चीजें नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया मैंने कि दिवाली की झालर कहाँ मिलती है, हमारे यहाँ बोलते हैं झालर, पता नहीं क्यों बोलते हैं पर झालर बोलते हैं इनको। इसी के साथ इस ब्लॉग को फिर रिपेंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना और उसको ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते सीधा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।